जय हिंद। नमस्कार मेरे सेहत चैनल में स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं फिजिकल के कट ऑफ का, और मेरे को जितने भी बच्चे मिलते हैं चाहे कहीं रास्ते चलते मिल गए हो या कहीं जो कमेंट भी आप वीडियो के नीचे देखोगे या टेलीग्राम पे या हेल्पलाइन नंबर पे, सबसे ज्यादा कॉल और रिक्वेस्ट इसी से संबंधित रहती है कि पिछली बार की बजाय इस बार मेरी सब कितनी ऊपर जाएगी। एक बार तो आप यह मानते हो कि आप सबको यह बताया कि पिछली बार से इस बार मेरी ऊपर जाएगी, ये तो आप सबने बोल दी है। ठीक है, जो भी बच्चा बोलता ना ये नहीं बोलता सर पिछली बार से ऊपर जाएगी या नहीं, उसका सीधा क्वेश्चन है कि पिछली बार की मेरिट से इस बार की मेरिट कितनी ऊपर जाएगी। ये नहीं ऊपर तो जाएगी अगर क्लियर है, उसके पीछे रीजन एक तो कोर्स वैकेंसी कम होना और पेपर का आसान होना। ठीक है, अब मैं आपको पेपर आसान का तो कई वीडियो में बता देता हूँ कि पेपर एसएससी का आसान नहीं रहता है, पिछले पेपर भी आसान ही थे। हाँ, हो सकता है 19-20 का फर्क हो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफ वैकेंसी कम होने के कारण और दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ने के बाद में एसएससी की मेरिट में इसमें प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा। दूसरा, आर्मी एक्टिविटी लागू होने के बाद में एसएससी सबसे पसंदीदा भर्ती हो गई युवाओं की, यानी हर कोई इसमें नौकरी लगना चाहता है। जिसका भी सपना आर्मी में जाने का था वो कोशिश करता है मैं भी एसएससी में सेट हो जाऊँ, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। आने वाली भर्ती में इससे ज्यादा और कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये तो पक्का ही है कि पिछली बार के बजाय कंपटीशन हार्ड होगा, तो मेरी इस बार ज्यादा जाएगी। लेकिन कितनी जाएगी मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर देता हूँ कि याद रखना फाइनल मेरिट में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। आप इस समय क्या कर रहे हैं, जो आपको एसएससी जीडी जो आपने स्कोर कार्ड देखा है, जो आपने स्कोर कार्ड देखा ना, उस स्कोर कार्ड में आप क्या कर रहे हैं कि जो आपके नंबर आ रहे हैं रोल नंबर, मान के चलो आपके 120 आ रहे हैं और पिछली बार की फाइनल मेरिट 116 है, ये फाइनल में पिछली बार इसमें हो सकता है कि हर जगह या किसी भी स्टेट से +3, +4 या +5 ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं है कि इसमें +15 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। हो सकता है कि 2-3 नंबर प्लस हो जाए, होंगे तो सभी स्टेट में, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 3 नंबर से, यानी या तो किसी में 1 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, मैक्सिमम 6-7 नंबर से ऊपर नहीं प्लस होंगे। फाइनल में इतना ही फर्क पड़ेगा, फिजिकली कट ऑफ में फर्क पड़ सकता है। फिजिकल कट ऑफ में फर्क पड़ने के पीछे रीजन ये है, इस बार 8 गुना बच्चे बुलाएंगे, पिछली बार भी 8 गुना बुलाए थे, लेकिन पिछली बार वेटिंग 50,000 की थी, तो 50,000 × 8 = 4 लाख। ठीक है, इस बार 2,000 के बच्चे बुलाएंगे, यानी काफी कम हो जाएंगे। तो फिजिकल की जो कट ऑफ है वो पिछली बार की कट ऑफ से इस बार लगता है कि कई राज्यों में 10 नंबर तक ऊपर चली जाएगी। पिछली बार की जो फिजिकल कट ऑफ आई थी उससे इस बार की फिजिकली कट ऑफ हो सकता है कि 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर ऊपर चली जाएगी, ऊपर तो जाएगी जाएगी, और कम से कम 4-5 नंबर से तो ज्यादा ऊपर जाएगी। और फाइनल मेरिट भी मैं आपको बता दूं, हर एक स्टेट पे कई बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे पिछली बार की मेरिट से 10 नंबर ज्यादा, पिछली बार की मेरिट से 15 नंबर ज्यादा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 15-15 अंक ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि पिछली बार मान के चलो किसी राज्य की मेरिट 140 गई है तो इस बार 155 चली जाएगी, नहीं इतना आसान भी नहीं था पेपर। ठीक है, फाइनल मेरिट में मैक्सिमम अंतर 5-6 नंबर तक हो सकता है। हाँ, फिजिकल की जो कट ऑफ है इसमें फर्क काफी पड़ सकता है, इसमें फर्क पड़ने का रीजन ये है कि पिछली बार 4 लाख बच्चों को बुलाया गया था, इस बार वहां पर 2 लाख बच्चों को बुलाएंगे पोस्ट ऑफ वैकेंसी आदि होने के कारण। भाई एक तो सोचो 4 लाख बच्चे गए थे मेडिकल देने, एक इस बार 2 लाख बच्चे जा रहे हैं, तो फिजिकली कट ऑफ पिछली बार जो आपकी स्टेट की फिजिकली कट ऑफ है मान के चलना उससे तो ऊपर जाएगी, हो सकता है 5 नंबर ऊपर जाए, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर ऊपर जाएगी। अब आप एक चीज यहाँ पर समझ रहे, अगर आपके वहां फिजिकली कट ऑफ 10 नंबर ऊपर जाती है तो फाइनल मेरिट ध्यान रखना 4 से 5 नंबर ऊपर ही जाएगी, अगर आपकी फिजिकल की जो मेरिट है वो 5 नंबर ऊपर जाती है तो फाइनल मेरिट 2 नंबर ऊपर जाएगी, यानी जितनी फिजिकल की कट ऑफ ऊपर जाएगी फाइनल मेरिट उसकी आधी ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद में मेडिकल में छटनी हो जाती है, फिजिकल में छटनी हो जाती है, तो उसके बाद में आंकड़े ज्यादा नहीं बढ़ते। ठीक है, इससे आप ये अनुमान लगा लोगे कि आपकी जो फिजिकल की मेरिट है वो आते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी फाइनल मेरिट कितना ऊपर जा सकती है। एक चीज और, ये भी कई बच्चे हैं सर फिजिकली कट ऑफ कब तक आएंगे, वैसे विदन मंथ रिजल्ट आ जाता है, अभी आप सबको पता है कि 30 मार्च को इसका आखिरी एग्जाम हुआ था, उसके बाद में आपकी आंसर की भी आ गई। अब आज जैसे 17-18 मार्च हो गया, उसके बाद में अगला 10 दिन का शेष समय और है, ये या तो 20 तारीख तक आ जाए, नहीं तो कहने का मतलब इस महीने में आपकी फिजिकली कट ऑफ आ जाएगी, क्योंकि 1 महीने का समय बीत जाएगा। अक्सर ऐसे जिले में 20 से 25 दिन के अंदर अंदर फिजिकली कट ऑफ आ जाती है, तो 30 तारीख को पेपर हुआ तो ये महीना मान लेते हैं, इस महीने में आपकी फिजिकली कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।